शुक्रवार को जींद में कांग्रेस सेवा दल की राज्य स्तरीय बैठक में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने मुख्यमंत्री के प्रदेश में हो रहे रोड शो को फ्लॉप शो करार कर दिया तो कहा कि मोदी के 4 साल पूरे होने पर 26 मई को कांग्रेस पूरे प्रदेश में विश्वघात दिवस मनाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक जनता से किए गए एक भी वायदे को पूरा नहीं किया है और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आयोजित किए जा रहे रोड शो फ्लॉप हैं, क्योंकि यहां पर जनता नहीं आ रही है, केवल सरकारी पैसे की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की रैली होने लगी, उसके बाद इन्होंने रोड शो शुरू किए हैं, लेकिन यहां पर भी जनता नहीं पहुंच रही। अशोक तंवर से जब यह पूछा गया कि विधायक दल की नेता किरण चौधरी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने भी अपना अलग रास्ता बना लिया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी अलग से क्रांति यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सब कांग्रेसी इकट्ठे हैं और सबको रोडों पर आकर अब संघर्ष करना होगा, क्योंकि भाजपा के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता, आजाद टीवी न्यूज। मोदी जी ने आज से 4 साल पहले शपथ ली थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम ये जो 4 साल विफलता के रहे, जिसमें कोई वायदा पूरा नहीं कर पाए, उसको विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी। कल पूरे हिंदुस्तान के सभी जिलों में सभी कांग्रेसजन, हरियाणा के अंदर भी सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर और सभी जो हमारे राजधानियां हैं, देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी, वहां पर इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। सब हमारी भी 31 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक प्रदेश के, ये तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को, जो नहीं भी आए हैं, सब लोगों को अब सड़क पे आना चाहिए। अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की, जितने लोग, जितने नेता, जितने कार्यकर्ता आएंगे और प्रदेश की जनता का सहयोग मिलेगा, उतना बढ़िया माहौल होगा। तो ऐसे रोड शो का, जो सरकारी खर्चे के ऊपर हो, जिसका कोई फायदा ना हो, सड़कों पर लोग ना मिले, तो कोई करने का, क्योंकि रैलियाँ फ्लॉप होनी शुरू हो गई थी। इस जींद की धरती ने ही अमित शाह की फ्लॉप रैली देखी, उसके बाद अलग अलग जगह उनकी कुर्सियाँ खाली रही, उन्होंने कोई भी महोत्सव, कोई भी कार्यक्रम करने की कोशिश करी, और इसलिए उन्होंने सहारा लिया कि प्रदेश में घूमना तो है, गुमराह तो करना है, तो ये रोड शो का मामला, ये रोड शो नहीं फ्लॉप शो है, और ये मजबूरी में सड़क पर भारतीय जनता पार्टी आई है। भारतीय जनता पार्टी और RSS जो पूरा प्रयास कर रहे हैं उसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए, और उस लड़ाई का जो है पूरा हम लोग व्यूहात्मक प्लानिंग करने के लिए आज मिले थे। अभी सेवा दल है, इस महीने से हर अंतिम रविवार को महीने का पूरे देश में 1000 जगह पे एक साथ हर जिले में राष्ट्रध्वज जो है उसका ध्वजवंदन करेगा और वहाँ पर चर्चा करेगा कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रभक्ति का मतलब क्या है। क्योंकि आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि आज़ादी के आंदोलन में गद्दारी करने वाले और खुद अंग्रेज के पीठों बनने वाले लोग राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम शुरू किया है। ये यही लोग हैं जो जनता को प्रदेश, भाषा, जाति और धर्म के नाम पर बांट बांट कर अपने वोटों को और अपनी सत्ता को जो बनाए रखना चाहते हैं और ये देश के जो मूलभूत बात जो थी उसको नकारना चाहते हैं, उसके खिलाफ जो एक वैचारिक क्रांति है वो आने वाले समय में सेवा दल करे, इसके बारे में आज हम लोग बैठ के चर्चा किए। कुछ हमारी कमजोरियाँ भी हैं, उस कमजोरियों को हम कैसे कम करें और हम अपनी अच्छाइयों पर और कैसे मजबूत हो, उसके बारे में आज हम लोग चिंतन करने के बाद, ये 9वां राज्य है जहाँ पर मेरी इस प्रकार से बैठक जो है ये पिछले 1 महीने में हुई है। हर राज्य में इस प्रकार की बैठक के बाद 10 और 11 तारीख को सेवा दल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होगा, जिसमें हर राज्य के चीफ भी आएंगे और माननीय राहुल जी 11 तारीख को सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे और दिशा निर्देश तय करने के लिए कि हम किस प्रकार का कार्यक्रमों को, किस दिशा में सेवा दल को और कैसे मजबूत। कुछ सवाल सेवा दल के साथियों के भी थे कि सेवा दल को मजबूत अगर कांग्रेस रीढ़ की हड्डी मानती है तो हड्डी और कैसे मजबूत हो, और एक सोच ये भी है जब सेवा दल मजबूत तो कांग्रेस मजबूत, और कांग्रेस अगर मजबूत तो देश सलामत, ये वाली जो पूरी सोच इस देश में है।